एक डॉक्टर साहब अस्पताल में दौड़े चले आ रहे थे और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर वाली लॉबी में गए तभी उनको कुछ लोगों ने घेर लिया। वो लोग डॉक्टर साहब को सुनाने लगे कि इतनी देर से आए हो, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे, आपको कॉल कर करके थक गए। क्या समझते हो अपने आप को, आपका बच्चा होता है तो आप इतनी देर से आते क्या? डॉक्टर साहब कुछ बोले नहीं, वो सीधे ऑपरेशन थिएटर में चले गए। डेढ़ घंटे बाद बाहर निकले तो उन लोगों ने फिर डॉक्टर साहब को घेर लिया। फिर सब बच्चे के बारे में पूछने लगे, बताइए कैसा है बच्चा? डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। जिस स्पीड से डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में आए थे, डबल स्पीड से बाहर जा रहे थे। उन लोगों ने कहा, बात तो करो, अपने आप को समझते क्या हो? डॉक्टर साहब ने कहा, जो भी सवाल है उन सब के जवाब नर्स दे देगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर साहब चले गए। जब नर्स आई तो बच्चे की हालत बताने लगी। उन लोगों ने कहा, अरे बच्चे के बारे में मत बताओ, इस डॉक्टर का बताओ, ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? नर्स ने कहा, ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे दिल के हैं, आपको पता नहीं आज उनके बच्चे का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। हमें तो लगा वो शायद नहीं आएंगे, हमने अपना फर्ज पूरा किया। हमने उन्हें बताया कि एक पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है। वो दौड़े चले आए और उससे तेज दौड़ कर वापस गए क्योंकि शाम होने वाली है, उन्हें अपने बच्चे का अंतिम संस्कार भी करना है। वह लोग चुप हो गए। जीवन में कभी भी किसी के हालत को जाने बगैर उन्हें जज बिल्कुल भी